सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आप लोग कह रहे थे कि सर एक बार आप हमें कॉलेज की लिस्ट दे दो, साथ ही आप लोग हमें टॉप कॉलेज भी बता दो और उनमें कितनी कितनी सीटें हैं आप वो भी हमें बता दो। तो गाइज, आज की इस वीडियो को अगर आप पेशेंस बनाकर लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे जो डाउट हैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि कौन सी जयपुर की, धौलपुर की, करौली की, पाली, सिक्कर, अलवर, अजमेर सभी की मैं कॉलेज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो टॉप कॉलेज में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही जो लोग हमारे इस चैनल पर द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पर, जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग न्यू हैं, आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर। आइए हमसे जुड़िए। आप सभी को पता है कि हम पिछले एक साल से हम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी हमारा इस फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। बस आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे है उसको ज्वाइन कर लेना है, साथ ही टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे है उसको ज्वाइन कर लेना है। आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाएंगे, फिर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी छोटा से छोटा और कोई भी बड़ा से बड़ा कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा आपको ज़रूर मिलेगा। सो गाइज, आप लोग जो है एक बार हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करें, Telegram ग्रुप को ज्वाइन करें। साथ ही वहां पर मैंने आप लोगों को डिस्कशन के लिए भी ग्रुप बना दिया Telegram चैनल पर, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। WhatsApp ग्रुप पर आप डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो गाइज, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मैं लिंक दूंगा, डिस्कस ग्रुप के नाम से मैंने Telegram पर एक ग्रुप बना रखा है जो कि पिछले साल से चला आ रहा है। उसमें जो लेफ्ट होना चाहे हो सकता है, जो बात करना चाहे कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सर कॉलेज कौन सी भरें, कैसे भरें। तो कॉलेज कैसे भरें, ये वीडियो आप लोगों को सुबह 9 बजे यूट्यूब पर मिल गई है, ठीक है ना। आज सुबह 9 बजे आप लोगों को ये वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है, मैंने मेरे चैनल पर डाल दिया द साइंस क्लब दौसा के यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है। पूरा प्रोसेस क्या है कॉलेज भरने का, मैंने आप लोगों को कॉलेज भर के बताई है, कॉलेज कैसे हटानी है वो भी हटा के बताई है, कहाँ भरनी है, कौन सी भरनी है, कौन सी कॉलेज पहले भरनी है, ये सब भी मैंने बताई है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को पेशेंस बनाकर लास्ट तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये सीट मैट्रिक्स है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे पहले 100 सीटें हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग PBM हॉस्पिटल कैंपस बीकानेर। अब यहाँ पर इस हॉस्पिटल को देखकर मेरे को एक और चीज़ याद आ गई जो कि आप लोगों के लिए जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइज, जब भी आप कॉलेज भरें, आप लोगों को लग रहा है कि इस अच्छे नंबर है कॉलेज मिल सकती है, तो जिस कॉलेज में अगर आप लोगों को हॉस्पिटल लिखा हुआ हो उस कॉलेज को आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज उसका हॉस्पिटल उसके साथ में ही होगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को इजीली वहाँ पर कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अटैच में हॉस्पिटल होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जहाँ पर भी लगा हुआ हो हॉस्पिटल, वहाँ पर आप लोगों को उस कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि उसके अटैच में क्या होता है, हॉस्पिटल होता है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग SMS, तो SMS कॉलेज जो है सभी को पता है बड़ी कॉलेज है, और ये मिलती है 80 प्लस वाले स्टूडेंट को ये SMS कॉलेज मिलती है, तो यहाँ पर इसका हॉस्पिटल भी आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज़ बताई कि जिस कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उस कॉलेज को जल्दी भरना है। अब यहाँ पर हम टॉप कॉलेज की बात करें तो टॉप कॉलेज देखिए, सबसे पहले हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे, तो उससे पहले हम सीट देख रहे थे तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें हैं। दूसरी पहली बात मैंने बता दी आप लोगों को, हॉस्पिटल वाली जो भी कॉलेज होगी वो आपको भरनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस कॉलेज के साथ में अगर लिखा हुआ हो कोट, अभी हम ढूंढते हैं कोट वाली कॉलेज कहाँ पर है, तो जिस कॉलेज के साथ में अगर लिखा हुआ हो कोट, उस कॉलेज को आपको नहीं भरनी है। क्योंकि पिछली बार भी जैसे कि कोई, मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी मेरे को मिल नहीं रही है, इसमें आप ढूंढ लीजिएगा, मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, टेलीग्राम पर भी मैंने डाल रखी है, वहाँ जाके आप लोग इसमें ढूंढ लीजिएगा। जिस कॉलेज के एंड में या शुरू में अगर लिखा हुआ हो
कोट, सी ओ यू आर टी कोट, उस कॉलेज को आप लोगों को नहीं भरनी है, ये आप लोग ध्यान रखें। क्योंकि उस कॉलेज के ऊपर कई बार क्या होता है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लगभग एक महीने तक उस पर केस चला था और उस केस चलने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया कि ये कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप लोग इन सभी से बचें कि जिस कॉलेज के शुरू में कोट लिखा हुआ हो, वो कोट की कॉलेज होती है, कोट की सीट होती है उस पर, तो उस पर केस चलता है और केस में आप लोगों की जो सीट है वो डिले हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें, जिस कॉलेज के आगे या पीछे हॉस्पिटल लिखा हुआ है उस कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, जिस कॉलेज के पीछे या आगे अगर कोट लिखा हुआ है तो उस कॉलेज को आप लोगों को नहीं भरनी है, ये आप लोग ध्यान रखें। अगली बात, अब आप लोग भरेंगे कॉलेज, तो कॉलेज भरने के लिए आप लोगों को क्या करनी है, जिन स्टूडेंट के 30+ नंबर हैं या 35+ नंबर हैं या आप लोग जो है 25+ नंबर हैं, तो भी आप लोगों को क्या करना है। देखिए कई बार होता है ऐसा है, जिनके 60 नंबर आए हैं ना, वो भी कॉलेज भरने में ऐसी गलती करते हैं कि उनको कॉलेज नहीं मिलती है, लेकिन जो 40 वाला स्टूडेंट है वो भी कॉलेज ले लेता है। इसलिए आप लोग जब भी काउंसलिंग करवाएं, आप लोग अच्छे से सोच समझकर कॉलेज भरें, ठीक है ना। तो जिनके भी आ रहे हैं वो अभी देखिए, कॉलेज की ये पुरानी लिस्ट है 2021 की, आप सभी को पता होगा 2021 वाली लिस्ट है, अभी न्यू लिस्ट जारी नहीं हुई है। जैसे ही होगी आप लोगों को तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मिल जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो भाई, इसलिए कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो जैसे ही आएगी तुरंत बता दूंगा। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, मतलब टोटल कितनी कॉलेज है, 168 कॉलेज बता रहा है, 160। लेकिन पिछली बार सेकेंड राउंड तक आई थी जब 191 कॉलेज थी, 191 कॉलेज थी, और इस बार 19 नए कॉलेज और खुल गए हैं, 19 नए कॉलेज और खुल गए, मतलब कि 200+ आप लोगों की क्या हो गई, यहाँ पर कॉलेज हो गए, जिनमें से आप लोगों की अब सीट कितनी कितनी है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जहाँ पर भी पहले आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे मेरे को कि आप लोग कहाँ हैं, कहाँ से हैं और आप कौन कौन सी कॉलेज ले सकते हैं, यानी कौन कौन से जिले में आप लोग जो है कॉलेज ले सकते हैं, ये भी आप लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, अपने घर वालों के साथ में बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि आप लोग कॉलेज तो पूरी भर रहे हो, मान लेते हैं आप दौसा के हैं और आप लोगों को सवाई माधोपुर और यहाँ पर पाली चूरू इधर आप लोगों को कॉलेज मिल गया, आप नहीं जा सकते, फिर आप लोग जो है फंस सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जो है दुविधा में पड़ सकते हैं। इसलिए घर वालों से पहले कंसल्ट करें कि क्या आप हमें, अगर दूर कॉलेज मिलती है तो क्या आप हमें वहाँ पे भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं। तो दौसा के आसपास की अगर एक कॉलेज बताऊं, तो दौसा में 3 कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनकी मैं बात करूँ तो सबसे पहले सरस्वती कॉलेज है, उसके बाद में राजस्थान कॉलेज है एक, और एक है इंडियन नर्सिंग कॉलेज। 3 कॉलेज है दौसा के अंदर, ठीक है ना, ये 3 कॉलेज हैं दौसा के अंदर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ कॉलेज ले सकते हैं और कहाँ आप, आपके जो घर वाले हैं वो आप लोगों को कॉलेज दिलवा सकते हैं। बिकॉज होता ऐसा है क्योंकि आप कॉलेज पूरी भर देंगे और मान लेते हैं आप लोगों को कॉलेज मिल भी जाए, तो आप लोग अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने घर वालों से एक बार कंसल्ट करें कि भाई पापा जी आप हमें कहाँ भेज सकते हैं, कहाँ हम कॉलेज ले सकते हैं, कौन कौन से जिले में आप लोग हमें भेज सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को देखना भी है कि पीजी भी है कि नहीं है, कि वहाँ पे हम रह भी सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये सभी आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ता है। उसके बाद में आप लोग अगर देखिए, अभी आप लोगों के कम नंबर हैं तो आप लोगों को बस एक ही चीज़ है कि हमें कॉलेज मिल जाए, हमें कॉलेज मिल जाए, हमें कॉलेज मिल जाए, हमें कॉलेज मिल जाए, बस कौन सी भी हो, कहीं पे भी हो, मिल जाए। ये अगर आप साइकोलॉजी रखेंगे तो आप लोग जो है बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं। ये क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मेरी जो, मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ उसमें अभी जब हमने एडमिशन, हमारे जो जूनियर एडमिशन ले रहे थे उनमें से लगभग 7 से 8 बंदे ऐसे थे, 7 से 8 बंदे ऐसे थे जो छोड़ कर बग गए कि भाई ये तो कॉलेज ऐसी है, कॉलेज वैसी है, इसमें अच्छा वो नहीं है, इसमें वो नहीं है, बहाने लगाने का उनका मतलब ये मतलब होता है। लेकिन अच्छी कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं कॉलेज में, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कॉलेज पसंद नहीं आती है, माहौल पसंद नहीं आता है, तो ये सभी आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आप लोग अपनी काउंसलिंग करवाएं, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, जिनके 25 नंबर है ना, जिनके 20 नंबर है ना, सभी करवाओ काउंसलिंग, तो जिससे पता लगे कि हमें फर्स्ट में नहीं मिली है, सेकेंड में मिल जाएगी, सेकेंड में नहीं मिली थर्ड में मिल जाएगी, और थर्ड में भी अगर नहीं मिलती है 25+ वालों को तो शायद हो सके तो मॉपअप राउंड में भी मिल सकती है। क्योंकि गाइज इस बार थोड़ी सी कटोप आई जाएगी, क्योंकि कॉलेज भी खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट हुआ ऐसा है कि कॉलेज खुलने के बाद भी हुआ ऐसा है कि आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे 37,000,
37,000 में के 32,000 लोगों ने परीक्षा दी है, 5,000 ने परीक्षा नहीं दी, 32,000 ने परीक्षा दी है। तो इनमें से कई सारे स्टूडेंट ऐसे, अब आप लोग कान खोल कर सुन लें, कई सारे स्टूडेंट ये नहीं है कि 32,000 के 32,000 ही सीट लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है सीट कितनी है टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने लोगों ने परीक्षा दिया। अब इनमें से कुछ ANM के भी हैं जिन्होंने ANM का फॉर्म डाल रखा है, कुछ GNM के हैं जो कि अभी फॉर्म डालेंगे, यानी कि अब डाल रखे हैं, अभी फॉर्म चल रहे हैं ना, तो फॉर्म डाल रखे हैं। कुछ नीट वाले स्टूडेंट भी होंगे, कुछ अलग अलग स्टेट के हैं जिन्हों के ऐसे ही फॉर्म डाल दिया बस मजे लेने के लिए, परीक्षा भी दे ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनका उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो छोड़ देंगे। इसलिए गाइज आप लोगों को कम नंबर पर भी कॉलेज मिलेगी, आप टेंशन ना करें, बस वीडियो में एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, बस आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं ना उस जानकारी को लेते रहें आप लोग, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को अब कॉलेज, आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टॉप कॉलेज बता दूंगा, जो कि छोटी वीडियो बता दूंगा, इसमें मैंने जानकारी दी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसको आप जरूर देखिए, टॉप कॉलेज कौन सी है, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दे दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ, आप लोग अच्छा लग रहा है, आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन एक बात और, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें। आप अगर हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आपकी हेल्प होती रहेगी, और अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग जो है समझ सकते हैं कि आपको फिर देखिए, अभी आप सभी को पता है मेरा जो ये YouTube चैनल है इस पर आप लोगों को जो भी आप कमेंट करते हैं, हर एक छोटी से छोटी जानकारी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर आप लोगों को जानकारी मिलते रहेगी, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के साथ में क्या होगा ये आप सभी जानते हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, हम आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहेंगे, कब कॉलेज भरनी है, कैसे क्या करनी है, पूरा प्रोसेस आपको समझाते रहेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ, क्योंकि आप मेरे जूनियर हैं, हो सकता है मेरे कॉलेज में आप में से कई सारे स्टूडेंट मेरे को मिल जाएं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।